हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। बच्चों, छुट्टियों के बाद आपकी पहली वर्कशीट स्टार्ट हो रही है। क्लास टेंथ के लिए साइंस की वर्कशीट है ये, इंग्लिश मीडियम में है। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विद देयर वैलेंसीज क्लास नाइन्थ से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा रिवीजन है। क्लास नाइन्थ में आपने स्टडी किया होगा कैशन कैटाइन्स, एंड जो पॉजिटिव आयंस होते हैं और एनायन जो होते हैं वो नेगेटिव आयंस होते हैं, ये आपने स्टडी किया होगा, ठीक है। बट टू स्टडी दिस यू नीड टू नो, आपको जानने की ज़रूरत है कि वैलेंसी क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट सिंबल और वैलेंसी दिए हुए हैं। तो ये कैटायंस के पॉजिटिव हैं, हाइड्रोजन इसका सिंबल देखिए, और इसकी वैलेंसी वन होगी। सिल्वर Ag सिंबल है, वैलेंसी वन होगी। सोडियम का सिंबल N है, वैलेंसी वन होगी। इसी तरह से पोटेशियम वैलेंसी वन, कॉपर की वैलेंसी वन और टू, कॉपर की है, Cu सिंबल है। मैग्नीशियम Mg वैलेंसी टू, जिंक Zn वैलेंसी टू, और ये सभी वैलेंसीज आपको दे रखी हैं, आप इसको पढ़िए रीड कीजिए। इसके बाद रेडिकल्स हैं, सिंबल और वैलेंसीज हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल OH, ठीक है। एनायंस नेगेटिव आयन होता है, इनकी वैलेंसी देखिए माइनस में है, ध्यान देना है आपको। ये क्लोराइड की माइनस वन है, ब्रोमाइड की माइनस वन है, आयोडाइड की माइनस वन है, नाइट्रेट माइनस वन, वैलेंसी नाइट्राइट माइनस वन, NO2 सिंबल है ये। तो सिंबल आपके लेफ्ट में है, राइट में वैलेंसी लिखी हुई है। तो ये आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना है, रिवाइज अच्छे से याद करना है। चलिए वापस चलते हैं, नोट पे जाते हैं कि देयर आर फ्यू एलिमेंट्स एंड एनायंस विच हैव सेम सिंबल बट डिफरेंट नेम्स। डिफरेंट नेम होते हैं, सिंबल तो सेम होते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्साइड है, सल्फर सल्फाइड है, नाइट्रोजन नाइट्राइड है, हमने देखा इसको, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि फ्यू एलिमेंट्स हैं, सेम सिंबल हैं बट डिफरेंट नेम हो सकते हैं। फॉर्मूला फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मूला आर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग वैलेंसी। वैलेंसी जो है कैटायन एंड एनायन की वैलेंसी को इंटरचेंज करके फॉर्मूला बनता है बच्चों। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है ये मैं आपको समझाती हूँ, प्लस टू है, ठीक है। क्लोरीन की माइनस वन है, ठीक है। तो ये जो टू है क्लोरीन के साथ अटैच, और ये वन मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा, तो क्या बनेगा, MgCl2। कहने का मतलब है कि दो क्लोरीन लगेंगे मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2, ठीक है। यहाँ वन लिखते हैं कि जरूरत नहीं है, वन अंडरस्टूड होता है। द वैलेंसी इज ऑलवेज रिटन एज सबस्क्रिप्ट, बताया ना वैलेंसीज को कहाँ लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट इसे बोलते हैं बेटा जो नीचे देखो लिखा गया Cl2। इन केस ऑफ रेडिकल्स लाइक HCO3, इफ एनी नंबर इज रिक्वायर्ड टू रिटन देन पुट द रेडिकल इन ब्रैकेट। इसको जैसे मान लो कि आपको और नंबर लिखना है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप ब्रैकेट में लिख दोगे HCO3, और फिर इसके आगे टू आपने नंबर आपने लिखा, ठीक है। CaHCO3 है और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, कोई भी नंबर लिखना। तो ये कुछ बातें बेसिक हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट द सिंबल ऑफ वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी लिखनी है। सब अब ऊपर है आपका, आप देख सकते हैं क्वेश्चन वन में सोडियम के सिंबल और वैलेंसी लिखना है। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, वैलेंसी है प्लस वन। सिल्वर का सिंबल है Ag, वैलेंसी है प्लस वन, ठीक है, मेटल है ये। क्लोरीन, क्लोरीन का Cl है, वैलेंसी माइनस वन है। ऑक्साइड का O है, वैलेंसी माइनस टू है। सल्फाइड का S है, वैलेंसी माइनस टू है। और इसके बाद कैल्शियम का Ca है, वैलेंसी प्लस वन है। क्लियर है, ये सब ऊपर आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पे टू है, कैल्शियम का टू है, ठीक है। लास्ट वन जो है कैल्शियम Ca+2 है इसके, ठीक है। तो सोडियम,
सिल्वर क्लोरीन ऑक्साइड सल्फाइड हो चुका है। नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला इसका लिखना है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। तो क्वेश्चन नंबर टू हम करने जा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3, जिंक सल्फेट ZnSO4, ये Zn है, n स्मॉल है। फिर क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का होगा AgCl, ठीक है, सिल्वर का। तो AgCl हो गया। सोडियम कार्बोनेट नेक्स्ट आते हैं। सोडियम कार्बोनेट पे सोडियम कार्बोनेट का होगा NaCO3। पोटेशियम हाइड्राइड KHCO3। एंड फिर आयरन सल्फेट है FeSO4। और कॉपर सल्फेट है लास्ट में CuSO4, ये U है, ठीक है बच्चों, CuSO4। जब सिंबल होता है ना तो पहला लेटर कैपिटल होता है किसी भी एलिमेंट का और दूसरा स्मॉल होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर ये कैसे बने, फॉर्मूला कैसे बना है, अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसकी वीडियो बनाई जाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।